देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में सालाना आधार पर बीते महीने गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि अप्रैल के मुकाबले मई में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में मामूली सुधार आया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वाहन पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक मई 2024 में इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल बिक्री 1,23,107 वाहन रही, जबकि मई 2023 में 1,58,459 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हुई थी। यानी सालाना आधार पर ईवी बिक्री में 22.3% की कमी आई है। हालांकि मासिक आधार पर मई 2024 में अप्रैल के मुकाबले इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में सुधार नजर आया है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल अप्रैल में 1,13,092 ईवी की बिक्री हुई थी, जो मई में 8.8% बढ़कर 1,23,107 पर पहुंच गई है। अगर अब मई में बेचे गए कुल इलेक्ट्रिक वाहनों में अलग अलग सेगमेंट्स की हिस्सेदारी को समझे तो मई में दो पहिया इलेक्ट्रिक का योगदान करीब 51.7% रहा, जबकि थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों का 42.5%, कारों का करीब 5.3% और बसों का 0.2% योगदान रहा है। इसके अलावा बाकी वाहनों का कुल बिक्री में 0.4% से भी कम योगदान रहा। जानकारों के मुताबिक बिक्री में तेज गिरावट की वजह सब्सिडी को लेकर सरकारी नीतियों में बदलाव, हाइब्रिड वाहनों पर फोकस बढ़ना और आम चुनाव का असर है। दरअसल वाहन फ्लीट और कमर्शियल क्षेत्रों के ग्राहक अक्सर चुनाव के बाद तक अपने खरीदारी के फैसलों को टाल देते हैं। नई सरकार बनने के बाद ही मैन्युफैक्चरर्स भी निवेश बढ़ाना पसंद करते हैं। इसके अलावा बिक्री में हाल में आई गिरावट की वजह फ्रेम प्रोत्साहनों का खत्म होना भी है, साथ ही हाइब्रिड की तरफ ग्राहकों का बढ़ता झुकाव भी। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री मार्च 2024 में नई ऊंचाई पर पहुंच गई थी और उस महीने 2,09,608 वाहन बेचे गए थे। इस ऊंचाई के बाद से बिक्री 1.45 लाख के आंकड़े से नीचे ही बनी हुई है। उद्योग के अधिकारियों का मानना है कि अगर सरकार अपनी मौजूदा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 की समय सीमा नहीं बढ़ाती है तो बिक्री पर इसका असर पड़ सकता है। सरकार ने 13 मार्च को EMPS 2024 का ऐलान किया था। इसका मकसद इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और थ्री व्हीलर व्हीकल्स की बिक्री को बढ़ावा देना है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।